कोई तो जयंती है, जल्दी चल। अण्णा भाऊ साठे की जयंती है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे चल रही है, एक आगे चल रहा है। अभी अपन आगे जाने वाले हैं। मजा तो आ गया, बहुत दिनों के बाद मजा आ गया। हाँ, तो कोई नहीं, मजा करने आओ, करा देते हैं, आओ करा देते हैं। चलो, ये दाई पूरा भयंकर आज मजे में है। आज दाना लगा रखे 2 क्वार्टर, उसके बाद मत झूलते घूम रहे हैं। आदित्य को मैंने कॉल किया, आ रहा है वो। आदित्य अगर तू नहीं आया तो भाई थूथू है फिर ऐसे में। तो बस क्या ये जो चल रहा है ये अण्णा भाऊ साठे। अरे है कौन वो? क्या एक और आधा दिन, 1.5 दिन शाला स्कूल में गया था वो। और अभी ये मतलब जो बिरसा मतलब लोकशाही अण्णा भाऊ साठे जो एक समाज है, मातंग समाज है ना, उनका वो देवता ऊँचा आवाज़ नहीं आएगी, उनका देवता है। समझ गया हाँ। नहीं कोई नहीं। गाइस 5 मिनट चलना पड़ा, 5 भी नहीं, और अपना दूसरा आलम आ गया। अरे यार, अभी तक हिंदी गाने चल रहे थे बॉलीवुड वाले, मेरे को समझ में आएंगे, यहाँ आके वापस से मराठी शुरू हो गए। पर जो भी अपने को तो मज़ा आ रहा है, बहुत तगड़ा मज़ा आ रहा है। चप्पल टूट गई, फिर इसे पकड़ मेरे समझ में आता। समझ में एक लाइन नहीं आई भाई, स्ट्रगल को दिखा। डांसर बड़ा है ना हमारा। ओ भाई साहब, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। स्टेप समझ रहा हूँ मैं, बस स्टेप तुम्हारा जैसे समझ में आएगा ना, थोड़ी देर बाद स्क्वाट्स मारने लग जाना है ना। एक बोलता हूँ तुमको, हाँ। तुम ये सिक्के वगैरह है क्या भिखारी को देने, तो आगे से नंगे पैर आ रहा। प्रतीक ने चप्पल निकाल दिए, कोई निकाल के रखता है मंदिर के बाहर, जाके देखना है। प्रतीक को भी बताता हूँ। चप्पल चाहिए, चप्पल यहाँ बगल में मंदिर है, मंदिर के आगे चला जा। कथक कर दो, कथक इन्हें देखना ही नहीं, इनके अलग से होगी। कोई नहीं, सूरज दा भयंकर हो रखा आज। ये देख डांस देखना, तू सबसे अलग हटके नाच रखा है, सब माँ छोड़ के। तू क्या करेगा अब? मैं तो नाचूंगा, मेरे को कोई नाच। नशे भारी हो गए भाई, नशे भारी हो गए ना। उस वाली जो वो है किंग ऑफ पुणे, ये जो है किंग ऑफ पुणे और इनके बीच में होगी अब म्यूजिक बैटल होने वाली है, बहुत तगड़ा। देखो झंडे उठा लिए सबने अपने अपने। गाड़ी भजी, इधर से एक रिक्शा है, उधर से पोल है, निकालने में फंस जाएगी गाड़ी। गाड़ी उठा के रख दी उन्होंने साइड। अब तो होगी यार बैंकर, वो लगेगा शायद उधर वाला, एक वाला लगने के चांसेस है। फाइनली अब जाके बाहर आएगा, अब चलेगा इसमें हिंदी गाने भाई, अब आएगा माहौल बनेगा। टिक गया ऊपर, टिक गया। बहुत क्लोज आ गएगा इस कंपटीशन के लिए। ये तो फंस गए ऊपर, वरना अब तक हो जाता। अण्णा साहेब साठे, क्या अण्णा साहेब साठे गाइस, अण्णा साहेब साठे जी हैं जिनकी जयंती है, जिनकी जयंती। और इधर देखो गाइस कंपटीशन स्टार्ट हो गया। चलो चलो चलो, ये शांति से निकल जाएंगे क्या? मराठी साहित्य और कला जगत के शिखर पुरुष अण्णा भाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के सांगली जिले की वालवा तहसील के वाटेगांव के मांगबाड़ा में हुआ था। उनके बचपन का नाम तुकाराम था, पिता का नाम भावराव और माँ का नाम था बालूबाई। अण्णा भाऊ साठे का जन्म मांग नामक अनुसूचित जाति में हुआ था। अण्णा भाऊ साठे के माँ बाप अत्यंत गरीब थे। कुलकर्णी गुरुजी के नीचपन के कारण जो ब्राह्मण थे उनकी वजह से अण्णा भाऊ साठे केवल 1.5 दिन ही स्कूल में टिक पाए और उन्हें स्कूल छोड़ देना पड़ा। हजारों साहित्यकार आपको मिल जाएंगे, पर भयानक विपरीत परिस्थितियों को झेलकर ऊंचाई को छूते हुए बहुत कम मिलेंगे। अण्णा भाऊ साठे स्कूली अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने पढ़ने लिखने की न केवल योग्यता हासिल की बल्कि क्रांति का बहुत बड़ा साहित्य भी रचा, जो अच्छे अच्छे ज्ञान पीठियों की मिट्टी पलीत कर दे। कम्युनिस्ट आंदोलन के नकली और खोखलेपन को समझने का उनसे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है, यह उनके जीवन से जाहिर है। मार्क्स और बाबा साहेब आम्बेडकर अण्णा भाऊ के लिए दोनों ही प्रेरणा स्रोत थे। पेट की आग शांत करने के लिए उन्होंने अपने गांव वाटेगांव, उसे बॉम्बे का लगभग 400 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय किया। एक क्रांतिधर्मी कलाकार की तरह अण्णा भाऊ ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन तथा गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए काम किया। जनता के हित में एक कलाकार के रूप में वे हर आंदोलन में आगे रहे। उनके लिखे पावड़े, लावनियाँ मुक्ति आंदोलन को ऊर्जा प्रदान करते रहे। 1945 में अण्णा भाऊ ने साप्ताहिक लोक युद्ध के लिए पत्रकार के रूप में काम करना आरंभ किया। अखबार साम्यवादी विचारधारा को समर्पित था। आम आदमी के संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसके अभाव को वे एक पत्रकार के रूप में लगातार उठाते रहे। इसने उन्हें जनसाधारण के बीच नायकत्व प्रदान किया। अखबार के लिए काम करते हुए उन्होंने अकेलेची गोष्ट, खापैया चोर, मजे ही मुंबई जैसे नाटक लिखे। सरकार ने तमाशा पर प्रतिबंध लगाया तो अण्णा भाऊ ने लाल बावटा के लिए लिखे गए नाटकों को आगे चलकर उन्होंने लावनियों और पोवाड़े जैसे लोकगीतों में बदल दिया। तमाशा में वे अकेले गाते थे। लोकगीत बनने के बाद वे जनगण की जुबान पर छाने लगे। अण्णा भाऊ की रचनाओं पर 12 फिल्में बनी जो सफल मानी जाती है। निरंतर संघर्षमय जीवन जीते हुए अण्णा भाऊ ने 14 लोक नाटक, 35 उपन्यास और 300 से ऊपर कहानियां लिखी। लगभग 250 लावनियां उन्होंने लिखी। लगभग 6 फिल्मों की पटकथाएं और यात्रा वृत्तांत लिखा। उनकी लिखी 14 कहानियां यानी कि उपन्यासों का फिल्मांकन भी हुआ। यात्रा वृत्तांत मेरी रूस यात्रा को दलित साहित्य का पहला यात्रा वृत्तांत होने का गौरव प्राप्त है। उनके उपन्यासों और नाटकों की देश विदेश में खूब चर्चा हुई। 1959 में प्रकाशित फकीरा उपन्यास को खूब सराहा गया। इसे उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को समर्पित किया था। यह उपन्यास इसी नाम के मातंग जाति के क्रांतिकारी की शौर्य कथा है, जिसमें उसका सामाजिक जीवन भी समाया हुआ है। इस उपन्यास का 27 देशी विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। 1961 में इसे महाराष्ट्र सरकार के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी दूसरी रचनाएं भी रूसी, फ्रांसीसी, जर्मनी आदि भाषाओं में अनुदित हुई। मुंबई में रहते हुए अण्णा भाऊ ने तरह तरह के काम किए, पैसा भी कमाया, लेकिन गरीबी से पीछा नहीं छूटा। वे 22 वर्ष तक घाटकोपर की खोलियों में रहे। 1968 में राज्य सरकार कुछ मेहरबान हुई। अण्णा भाऊ के रहने के लिए एक छोटा सा घर उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन गरीब मजदूरों के बीच उन्हीं की तरह रहने वाले उस जिंदादिल इंसान को नया ठिकाना रास नहीं आया। एक साल के भीतर ही 18 जुलाई 1969 को वह महान कलाकार मुंबई को हमेशा के लिए अलविदा कह दुनिया से चला गया। 1 अगस्त 2002 को भारत सरकार ने उनके 82वें जन्मदिवस पर डाक टिकट जारी किया। सरकार का यह प्रयास एक शाश्वत विद्रोही प्रखर प्रतिभा को मूर्तियों में कैद कर देने जैसा ही माना जाएगा, क्योंकि दर्जनों सरकारी अकादमियां और सांस्कृतिक संस्थाएं होने के बावजूद अण्णा भाऊ के कृतित्व का एकांश भी हिंदी में उपलब्ध नहीं है। परिणाम स्वरूप हिंदी के लेखक इस मराठी कला संस्कृति और साहित्य की महानतम प्रतिभा के लेखकीय और कलात्मक अवदान से वंचित है।